पर्व पर आज नवी मुंबई के शिवालय हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रहे। इस अवसर पर शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आज नवी मुंबई के वाशी, नेरुल और सानपाड़ा के शिवालय में भेंट दिया और भगवान महादेव के दर्शन किए। उनके साथ जिला प्रमुख दिलीप घोड़ेकर, मिलिंद सूर्य राव और शहर प्रमुख विजय माने समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखे झलकियां। महाशिवरात्रि के पर्व पर आज नई मुंबई के शिवालयों में बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष गूंज सा रहा। इस अवसर पर शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने नई मुंबई के वाशी, नेरुल, सानपाड़ा और बेलापुर के तमाम शिवालयों में हाजिरी लगाई और भगवान महादेव की पूजा अर्चना करते हुए दर्शन का लाभ लिया। इस दौरान उप जिला प्रमुख दिलीप घोड़ेकर, मिलिंद सूर्य राव, शहर प्रमुख विजय माने समेत कई शिवसेना पदाधिकारी भी मौजूद थे। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने यहाँ दर्शन की शुरुआत वासी सेक्टर 2 के शिव मंदिर से की, जहाँ शिवसेना पदाधिकारी श्रीकांत हिंदलकर ने उनका सत्कार किया। इसके बाद सानपाड़ा के शिव मंदिर में उप जिला प्रमुख मिलिंद सूर्य राव और शुभांगी सूर्य राव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिवसेना उपनेता का सत्कार किया गया। शिवरात्रि महापर्व पर चलाए जा रहे कई सामाजिक उपक्रमों में भी विजय नाहटा ने भेंट दिया और उनका मनोबल बढ़ाया। नेरुल सेक्टर 18 में भी विजय नाहटा ने महादेव का दर्शन किया और अर्चना की। महाशिवरात्रि पर्व को आत्मकल्याण का पर्व बताते हुए शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज महाशिवरात्र हिंदूंचा खूप मोठा सण आहे। या ठिकाणी हजारो लोक सकाळपासून दर्शनाचे रांगा लावून दर्शन घेत आहेत आणि त्या लोकांना उपवासाचं साहित्य देण्याचं काम या नेरुळ शिवसेना आणि आमचे भोसले साहेब असतील, गोसाळकर साहेब असतील, इसवे साहेब असतील या सगळ्या मंडळींनी केलेलं आहे, त्यांचं मी अभिनंदन करतो। जे आंबे माता ट्रस्टच्या वतीनं भाविकांची खूप चांगली सोय या ठिकाणी करण्यात आलेली, त्यांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि महाशिवरात्रीच्या निमित्तानं नव्या मुंबईतल्या सगळ्या जनतेला खूप शुभेच्छा देतो। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।